जाते हैं। अब इसके अंदर जो है तो अगला टॉपिक हमारा क्या है जी, ये मैपिंग में आए हैं और ये प्लान डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। ठीक है, ये प्लान डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो है तो सपोज ये एक टोपोग्राफिक जो है मैप है और इसकी जो है तो हमने शीटें बनानी है। ठीक है, हर शीट जो है तो ये अलग लेआउट में बनेगी जिसका एक अपना जो है तो बॉर्डर होगा, बीच में जो है तो इसके ग्रिड लगी होगी, साइडों पे जो है तो ग्रिड वैल्यूज़ होंगी, इस तरह जो है तो क्या होगा कोई भी जो है तो सील होगी, डिटेल टोपोग्राफिक मैप जो भी है, इधर जो है तो इसका लेआउट होता है और इधर जो है तो इसका इंडेक्स होता है। ठीक है, कोई भी एरिया होगा उसको A4 पे निकालना पड़ जाए, A3 पे निकालना पड़ जाए या A1 पे निकालना पड़ जाए किसी भी स्केल के लिए, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं उस एरिया की जो है तो पूरी शीट जो है तो बनाते हैं। तो कैसे इसको बनाएंगे इसमें देखें, इसके लिए हमारे पास तो चलते हैं इधर, यानी प्लाटिंग दो है, एक वो प्लाटिंग है जो कि प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होती है और एक प्लाटिंग उसमें अलाइनमेंट में, उसमें प्लाटिंग सेटअप बनता है प्रोफाइल और लॉन्ग सेक्शंस के लिए और अलाइनमेंट के, यानी प्रोफाइल के ऊपर जो है तो प्लान और उसके लिए सेटअप बनता है, और एक ये मैपिंग में प्लाटिंग है। ठीक है, ये तीन जगहों पर ये प्लाटिंग आपको मिलेगी, ये प्लाटिंग यहाँ है। इसमें देखें जी ड्राइंग नंबर्स की लेयर कौन सी है, ये जो है तो हम कह देते हैं कि ड्राइंग नंबर्स की लेयर ये है शीट सेटअप। ठीक है, ये लेजेंड का जो है तो हमारे पास जो है तो ब्लॉक बना हुआ है, आप भी अपनी मर्जी से कोई ब्लॉक बना सकते हैं, ये पूरा ब्लॉक है, ये जो है तो इसका बेस पॉइंट है, क्या नाम है इसका, ये जो है तो प्लान लेजेंड नाम का ब्लॉक है। ठीक है, ग्रिड विड्थ कितनी है, यानी जो हमारा ग्रिड का पोर्शन है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें हर चीज़ जो है तो इसके अंदर ये 220 है, ये यहाँ लिखी हुई है, ये ज़रा भी ग्रेड हाइट कितनी है 180, वो जो है तो ये लिखी हुई है 180। बॉर्डर वेथ हमारी कितनी है, बॉर्डर वेथ ये जो है तो 286 है, ये कहाँ लिखी है जी, ये ऊपर ये टॉप पे लिखी है। ठीक है, ये पूरे बॉर्डर की जो है तो वेथ है और फिर उसके बाद ये पूरे बॉर्डर की जो है तो क्या है, ये जो पूरे बॉर्डर की हाइट है वो कितनी है 194 है। ठीक है, डी एक्स फॉर लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये जो है यानी ये जो हमारा ग्रिड है इससे बाहर जो है तो ये बॉर्डर कितना है, यानी इन दो के ये जो लाइन है जिसको ये ग्रिप लगे हैं ना। ठीक है, ये डी एक्स और डी वाई कितना है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, ये जो है तो 7.5 हो गया। ठीक, फिर जो है तो यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई फॉर पेज ड्राइंग नंबर जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा वो कितना है, वो जो है तो ये लिखा है जी डी एक्स इतना है और डी वाई इतना है, ये लाइन ये लगाई है कि इससे मुराद यानी बेस पॉइंट से, ये जो हमारे ब्लॉक का बेस पॉइंट था उससे जो है तो ये बाय जिस पॉइंट का भी डी एक्स डी वाई आ गया और उससे भी जो है तो आ गया। और क्या है जी, ग्रेड स्पेसिंग कितनी है, 20 है, ग्रेड स्पेसिंग से क्या मुराद है हमारी, ये जो है तो दो टिक्स ग्रेड्स के दरमियान जो है तो यानी जो फासला है वो जो है तो 20 है। टेक्स्ट हाइट कितनी है, ये टेक्स्ट हाइट से मुराद हमारी ये है। ठीक है ना, ये जो टेक्स्ट हाइट है और डिस्टेंस फ्राम एज, मतलब ये जो टेक्स्ट है ये किनारे से कितने फासले पे लिखी जाएगी, ये जो है तो 0.5 के फासले पे जो है तो कितने यूनिट पे जो है लिखी जाएगी। इसमें होता ये है कि हम जो है तो स्नैप ऑन कर देते हैं और स्नैप के ऊपर आके जो है तो इसकी वैल्यू को 100 या 1000 या 500 इस तरह जो है तो कर देते हैं। तो अब हमारा कर्सर जो है तो ये क्या कर रहा है, किस पे जंप लगा रहे हैं, इसे देखें ना, यानी इंटरवल पे जो है ना, हर 100-100 के इंटरवल के ऊपर जो है तो जंप लगा रहे हैं। ठीक है, उससे जो है अब जैसे ये है ना, ठीक है, इसको जो है तो अगर मैं 50 करूँ, ठीक है ना, तो फिर ये किस पे करेगा, 50 पे जो है तो जंप लगाएगा। तो ये जो पोर्शन है इसको हम जो है तो इतनी ट्रायंगल्स के अंदर जो है तो तकसीम कर देते हैं, ये जो है तो ये क्या है, एक ट्रायंगल है, LW पॉली लाइन है, और ये किस लेयर में है, शीट सेटअप में है। इसके जो है तो मिड पे पॉइंट नंबर लिखा हुआ है, यानी अगर इसका आप डायगनल ले लें, मैं बंद करता हूँ, यानी शीट नंबर में अगर आप इसका डायगनल ले लें तो जो इसका मिड है, ये जो टेक्स्ट है इसका, हाँ इसका जो मिडल सेंटर पॉइंट है वो जो है, ये देखें मिडल सेंटर पॉइंट है जिसका अलाइनमेंट बेस पॉइंट है ना, वो मिडल सेंटर है, वो जो है तो इसके मिड के ऊपर, ये टोटली यानी दोनों कोनों से, चारों कोनों से बराबर फासले पे है। ये इस तरह हम ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, जितनी भी फालतू ट्राइंगलें रेक्टेंगल्स हमारे पास बनती हैं उन्हें डिलीट कर देते हैं और इनको नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 हैं, ये जो है तो ऐसे जो है तो शीट सेटअप बनेगा। और ये नंबर भी जो है तो उसी लेयर में रखते हैं जो शीट सेटअप हमने यहाँ बना दी है, लेजेंड भी हमने बना दी है,
अब जो है तो ये इसके मुताबिक खुद ही क्या करेगा, ठीक है। ये जब आदमी को किसी इलाके के इस किस्म की वो बनाने हो ना, तो पूरी किताब बनती बननी हो जिसमें जो है तो कितने 300-400 जो है तो सफ़े हों एक फ्री साइज के, तो वो फिर उस वक्त इस चीज़ की अहमियत होती है कि ये कैसे जो है। तो अब ये सब कुछ लेके जो है तो सेव एज डिफ़ॉल्ट, ये सारी सेटिंग को आप सेव भी कर सकते हैं। इसको हम प्रोसेस करते हैं, जो ऊपर हमने लेयर लिए ये खुद ही जो है तो यहाँ पे फ़िल्टर हो जाएगी और ख़ुद ही इसको जो है ब्लॉक लग जाएगा और ये सारी सेटिंग जो है तो अप्लाई होंगी। जब ये मैं लेता हूँ तो क्या होता है जी, कौन सा ये तो वो उसके हिसाब से लगाते हैं ना, पहले कागज़ का साइज़ देख लेते हैं कि A3 की पेपर डायमेंशन क्या हैं, ठीक है ना, उसका एक ब्लॉक बना लेते हैं और उस ब्लॉक को जो है तो वो फिर जो है तो बढ़ाते जाएँ जहाँ पे भी जो साइज़ भी फिट आ जाए वो जो है तो उसका स्केल बन जाता है। जी हाँ, वो भी उसी तरह होगा, पहले उसका ब्लॉक बनाएंगे फिर आगे हमें क्या पता लगेगा क्या साइज़ है। हाँ, वो खुद ही लगेगा। जी हाँ, ठीक है ना जी। तो हाँ, ये जो है तो अब देखें क्या हो गया, ये जो है तो यानी हर शीट का वही हो गया, हर के साथ उसका अपना नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बाकी पीछे जो है तो ये एक इंडेक्स नाम का ब्लॉक, यानी ये जो इंडेक्स है इसका, इसको भी हम इसके इसमें डाल देते हैं, ये जो ब्लॉक बना है ना इसका हिस्सा कर देते हैं। बाकी कौन सी शीट है, बस सिंपल काम ये रह जाता है कि इसके ऊपर ला के हैच कर देते हैं, ठीक है ना जी, और उस हैच को कॉपी पेस्ट करके फिर जो जो सी शीट हो उसके ऊपर जो है तो ला के यहाँ पर अपने अपने लेआउट में डाल देंगे, क्योंकि ये जो पूरा इंडेक्स है ये तो ब्लॉक का हिस्सा हो गया है ना, वो तो उसमें एम्बेड हो गया है, लेकिन ये इस वक्त कौन सी शीट को यानी ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उतने उसको जो है तो हम हैच कर देंगे, ठीक है। और ये काम हमें ज़रा सा मैनुअल करना पड़ेगा, हर शीट के अंदर जो है तो जाके जहाँ जोन सा भी होगा, ठीक है। ये जो है तो उसकी लेयर है, इसको ये 19 नंबर जो वहाँ से आया है ना, ये भी कंफर्म हो जाता है कि ये 19 नंबर है, यहाँ पे भी ये 19 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो हैच होगा वो भी जो है तो ये किस पे 19 नंबर पे होगा और ये नीचे लेआउट भी जो है तो यही बना हुआ है, ठीक है जी। तो ये सारी सेटिंग आप सेव भी कर सकते हैं, ये पीछे रजिस्ट्री में सेव हो जाती है, फिर आप रिप्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गए मॉडल में दोबारा, ये डब्बे, हाँ देखें सबसे पहला, नहीं नहीं सब देखें, सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आप पेपर साइज़ देखेंगे कि आपको आउटपुट किस पेपर साइज़ पे चाहिए, उसकी डायमेंशन देख के उस हिसाब से आप ये लेजेंड का वो बनाएंगे और इसके अंदर ये पूरी अरेंजमेंट करेंगे कि भाई आपको जो कितनी जगह चाहिए, यानी ये जो इंटरनल पोर्शन है ना, फिर यहाँ से रेक्टेंगल ले कर ये इधर आप जो है तो ये रेक्टेंगल लगाएंगे। हाँ 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 ये मज़ा यहाँ पे है कि राइट नंबर इन सीक्वेंस, नहीं आप क्या कह रहे हैं अलाइनमेंट पे होता, तो ये इसमें तो नॉर्थ सीधा सीधा है ना, तो इसमें तो सवाल कर रहे हैं ना, ज़रा एक दो दिन तक आ जाएगा वो काम भी, ये वो आप वाले काम की बात कर रहे हैं, वो आसान है, खैर है, वो एक बटन दबाना होगा बस और कुछ नहीं है उसमें। हाँ अलाइनमेंट की बात है, कौन से डब्बे, ये वाले डब्बे, ये तो आपको क्या कहते हैं खुद देख के लगाने पड़ेंगे ना कि कहाँ लगाऊँ कहाँ ना लगाऊँ मतलब नहीं 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 ये फैसला नहीं नहीं देखें ये जो डब्बा बना है ना इसकी जो अच्छा अब देखें बात ये है ना जियो कोऑर्डिनेट यहाँ पे हैं वही कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मेंटेन करना है ना यानी ये जो वैल्यू लिखी हुई है ईस्टिंग और नॉर्विंग की जो वैल्यू लिखी हुई है देखें जो यहाँ पे आ रही है अगर इसी जगह पे मैं ये पीछे मॉडल स्पेस में चला जाऊँ तो वहाँ पे भी वही वैल्यू होगी इस चीज़ का जो है तो वो करना है एक बात और दूसरी है कि जहाँ तक ये नंबरिंग का ताल्लुक है ये जो है तो हम इसमें कुछ ना कुछ जो है ये एक वो बनाया था स्टार्टिंग नंबर मिसाल के तौर पे ये है ना
जब बार बार ये नंबर लिखना भी चाहें तो आदमी को बहुत यानी थका देता है। सपोज ये हमारे पास पॉली लाइन है ना, ये अप्लाई ऑल और फिर ये जो है तो क्या हुआ है, ये जी कॉपी तो ये ठीक है। तो स्टार्टिंग नंबर हमारा क्या है, हम कहते हैं एक है और टेक्स्ट हाइट कितनी है, पाँच है। राइट नंबर इन सीक्वेंस, इस पर मैं आता हूँ तो ये देखें पाँच छः सात आठ नौ, ये इसने आपके लिए कर दी है ठीक है। इसका कैसे नाश्ता नहीं होगा, तो टोपोग्राफिक मैप है इसका नाप चेंज करें, इसका तो नाप चेंज नहीं कर, इस मैप का तो नाप हमेशा ये वाई ऊपर ही रहेगा, वो तो उस ये तो मॉडल स्पेस में है ना। डब्बों को आप रोटेट करेंगे, वो तो उधर होता है ना, वो तो जब अलाइनमेंट पे हमने किए थे प्लान प्रोफाइल की शीटें बनाते हैं तो वो वहाँ पे, तो वो उसके लिए अलग मेथड है, इस काम के लिए ये काम है और उस काम के लिए वो काम होगा। हाँ ठीक है,